राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए निजी अस्पतालों को प्राथमिक प्रशिक्षण करने के बाद ही मरीज को रेफर करने का निर्देश दिया है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा। रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल ने कोरोना संदिग्ध मानते हुए महिला मरीज को जबरन बाहर निकाल दिया, जबकि मरीज आईसीयू में भर्ती थी। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही महिला का अभी अंबेडकर अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोरोना के संदेह में एम सैंपल भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लेते हुए रामकृष्ण अस्पताल को नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। जानकारी के मुताबिक महिला मरीज का नाम कौसर जहान है, जिसे रामकृष्ण अस्पताल रायपुर के आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट में रखा गया था। कोरोना के संदिग्ध मरीज मानते हुए सैंपल जांच के लिए रायपुर भेजा गया था। और आपको बता दें कि मंगलवार रात 9 बजे अनावश्यक रूप से चिन्हित करते हुए अस्पताल से बलपूर्वक मरीज को बाहर भेज दिया गया, जिसे अंबेडकर अस्पताल भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने रामकृष्ण अस्पताल को नोटिस जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में लागू एपिडेमिक डिसीज एक्ट का उल्लंघन किया गया है। 24 घंटे के भीतर साक्ष्य एवं अभिलेखों सहित अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, ऐसा नहीं करने पर एपिडेमिक रेगुलेशन एक्ट 1897 और नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जाएगी। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.